प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और आज मैं कोटली शहर में मौजूद हूँ। कोटली का शहीद चौक आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं और ये कोटली शहर की पहचान है। आज LA 10 कोटली 3 से मैं आपको जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे के मुकाबले पर हैं और 4 प्रोमिनेंट उम्मीदवार हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक यूसुफ मैदान में हैं, जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून में रहे हैं और इससे पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, वसी तजर्बा उनका इलेक्शन लड़ने का। दूसरा फारूक सिकंदर साहब हैं, जो सिकंदर हयात खान साहब के साहबजादे हैं, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी यासिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े तजर्बाकार जो है वो सियासतदान हैं, वो यहाँ से मैदान में हैं और इसी तरह से नून लीग के ज़ुबैर कियानी मैदान में हैं। तो 4 तगड़े उम्मीदवार कोटली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन तमाम उम्मीदवारों की इस वक्त यहाँ पर कैंपेन कैसी चल रही है, मैं आपको आज के प्रोग्राम में इन उम्मीदवारों से बात कराऊंगा। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम पर बिलावल भुट्टो के साथ हैं और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो मरियम के साथ दूर दराज इलाकों में गए हुए हैं। तो बाकी जो उम्मीदवार हैं उनसे हम बात करेंगे, हल्के में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। यहाँ के बेशुमार मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए क्या किया गया है, अब क्या किया जा रहा है, क्या वादे किए गए हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के प्रोग्राम में कोटली से हम आपके सामने रखेंगे। LA 10 कोटली 3 आज इसका तज्जिया करने जा रहे हैं, इसकी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। मेरे साथ इस वक्त सरदार फारूक सिकंदर साहब मौजूद हैं, जो कि कोटली के हलका नंबर 3 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये LA 10 है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और सरदार साहब का ताल्लुक एक मरूफ सियासी ख़ानदान से है। इनके वालिद सरदार सिकंदर हयात खान साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रहे, सदर भी रहे और इनके दादा भी जो है वो यहाँ पर हुकूमत करते रहे, हुकूमत में रहे, तो एक सियासी भरपूर सियासी ख़ानदान है। तो लेकिन अभी सरदार साहब से मैं कुछ सवाल इस इलेक्शन के हवाले से करने वाला हूँ। सरदार साहब, मुझे ये बताएँ कि आप मुस्लिम लीग नून में थे, मिनिस्टर थे और आपने इलेक्शन से चंद दिन पहले पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ के आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ गए, इस स्ट्रेटजी की वजह क्या है? ये असल में वालिद साहब सरदार सिकंदर हयात खान साहब का फैसला था और इसमें मैं अक्सर कहता हूँ ये फैसला कोई किसी मुफाद के लिए नहीं था। हाँ। बल्कि ये एक स्वाब के लिए था। अच्छा। कट्ठे रहे सरदार अब्दुल क्यूम खान साहब वो। हाँ। तो मेरे लिए ज़ाहिर बड़ी कुर्बानी तो मैंने ही दी है, वजारत की भी कुर्बानी दी है। तो आप इस फैसले के हक में नहीं थे, वाले साहब की मजबूरी में आपको मानना पड़ा, ये कह बस ज़ाहिर है हमारी तो फिर ये इस तरह का रिवाज नहीं है, जो उन्होंने पोजीशन ली है वहाँ से फिर मेरे लिए मुश्किल था। तो आप खुद कन्विंस नहीं है इस फैसले से, तो आप आवाम को कैसे कन्विंस करेंगे कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ी? नहीं, कोई असल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आते हुए शर्मिंदगी कोई नहीं है। अब जो लोग पार्टियां बदल रहे हैं इक्तदार की खातर, तो वो भी बड़े बड़े जवाब पेश कर रहे हैं, तो हमें कम शर्मिंदगी। आमतौर पर ये होता है ना कि एक पार्टी जैसी हुकूमत रह चुकी होती है उससे लोग चूंकि उसकी परफॉर्मेंस का सवाल करना होता है तो लोग इलेक्शन से पहले छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या उनको लगता है कि ये अब दोबारा इक्तदार में तो नहीं आएगी तो इसलिए इसके साथ रहने का फ़ायदा नहीं है, ये वजह तो नहीं थी? नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। हम तो जिस पार्टी से आए उसकी तो उस वक्त भी 36 या 37 सीटें थी। हाँ। और जिस पार्टी में मैं आया उसकी तो 3 थी असेंबली में। हाँ। तो ये खालिस्तन स्वाब के लिए है और हमारी अपनी पार्टी ठीक है। तो फिर ये चैलेंजिंग होगा इस दफा आपके लिए इलेक्शन? जी, असल में नई जगह है। हाँ। पार्टी तो पुरानी ही है, उसमें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन नई जगह पे नई जगह। मेरा यही सवाल था, आप नक्याल छोड़ के जहाँ से आप इलेक्शन लड़ते थे कोटली में आके पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने हल्का तब्दील क्यों किया? ये सदर जमात सरदार अतीक अहमद खान साहब की भी ख्वाहिश थी, फिर जो यहाँ मकामी MLA थे मलक नवाज साहब उन्होंने भी कहा, तो ये वजूहत थी। मैं तो असल में नक्याल छोड़ सकता हूँ तो बाकी किसी जगह भी छोड़ सकता हूँ, मेरा मसला कोई नहीं है। सही है। तो अभी इस हल्के में इलेक्शन लड़ते हुए क्या चैलेंजेस हैं? इसमें तो असल में बहुत लेट फैसला हुआ है, मेरा जाती जो है बहुत काफ़ी देर से फैसला ठीक है। तो बाकी जो मैं समझता हूँ कि ये उस एतबार से कि बड़ी आज़ाद कश्मीर में एक कह सकते हैं कि पसमानदा निगलेक्टेड एरिया है जी, इस पर इस ख़ास तौर पर इस शहर पे तोजो नहीं दी जी। आज जो कुछ नज़र आता है शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो वो भी सरदार सिकंदर हयात खान साहब के अदवार में जी। तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, तो बाकी टाइम कम था। तो आप नून लीग के मिनिस्टर के तौर पे परफॉर्म नहीं कर सके, मजबूरियां थी? नहीं नहीं, मैं तो नक्याल से इलेक्शन लिया, वहाँ नहीं, वहाँ का मैंडेट था मैं, तो फिर वहाँ हमने तो वो लोग गवाए। हाँ। वहाँ तो हमने थाना कचहरी का कल्चर ख़त्म किया। हाँ। ये जो तबादले
ये पार्टियों पे बरादरियों पे होते थे वो खत्म गए, ये अपोजिशन वाले खुद गवाही दे रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ का मैंडेट था वहाँ से दयानतदारी से मैंने काम किया। सही है। अच्छा, आपका मुकाबला अब ऐसे उम्मीदवारों के साथ है जिनमें से एक जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं लेकिन वो अपोजिशन लीडर हैं, दूसरे नून लीग के पिछली मरतबा और उससे पिछली मरतबा बड़े क्लोज रनर अप रहे, बड़ा करीब जाकर उन्होंने फाइट की, तो ऐसे लोगों के साथ आपका मुकाबला है, आपका मुकाबला किसके साथ ज़्यादा सख्त है आपके ख्याल में? अब मैं असल में कुछ कह नहीं सकता किसके साथ मुकाबला है। अब तो मसला ये कि वो आपने खुद भी शायद आर्टिकल पढ़ा हो, पोला पोले का बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है। अच्छा। तो वो जो तब्दीली और इनकलाब के नाम पे, शफाफ के नाम पे, तो वो हर दफ़ा उन्होंने पार्टी बदली होती है, तो कम अज़ कम मुझे अपने इस सियासी किरदार पे या अपने पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा, हुकूमत का आप देखे ना, आप तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार पे ये तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बदली होती है, तो पार्टी तो आपने भी बदली है, चाहे आप एक ऐसी पार्टी में गए जिसमें आप पहले भी रहे हैं। पार्टी मफाद के लिए बदलना और सवाब के लिए, ये तो कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि सवाब के लिए बदली है या मफाद के लिए बदली है? ये तो आपकी, ये तो मतलब शायद आप यहाँ के हालात से इतने वाकिफ नहीं है। अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सके। हाँ। ये खास तौर स्वाब के लिए काम, मतलब ये जानते हुए भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं बननी, फिर भी आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है? जी जी, ये वाले साहब ने फैसला किया। वाले साहब ने किस बुनियाद पर फैसला कर लिया ये? बस मेरा ख्याल में अपना एक गिल्ड था उनके अंदर के, इसके साथ सरदार अब्दुल कीम खान साहब और वो इकट्ठे रहे, सियासत की है, बड़ी कामयाब सियासत की है, तो वो मेरे ख्याल में वो आपने आगू तो किया होगा वाले साहब के साथ। नहीं, उस दिन तो जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन तो मैंने कहा था कि मैं आपके साथ ही चल सकता अतीक साहब और उनकी मौजूदगी में। आपने कह दिया था? हाँ, मैंने तो कह दिया था, ये जिंदगी में शायद पहली दफा हुआ है। नोका वाले साहब को नोका है और मुंह पे कहा अतीक अहमद खान साहब। डीमोरलाइज लग रहे हैं वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज और बातों से कि आप जो है ना वो ऐसा लगता है आप पहले आधा आधा इलेक्शन हारे पड़े हैं। नहीं नहीं, बस मेरी असल में आदत नहीं है, वो मैं थोड़ा सा जरा अलग तबीयत के हूं का बंदा हूं। हाँ, ठीक है। वो मेरी आदत नहीं है कि मैं फर्जंद एक कोटली हूँ, शेर एक कोटली का बेटा हूँ, या मैंने कोटली को पेरिस बनाना ठीक है। वो आज भी लोग कह रहे हैं कि हमने दूसरे हलके में जिन्होंने यहाँ से वोट लिए हैं, हाँ। वो कह रहे हैं हमने ऊपर वाले इलाके को वो पेरिस बना दिया। अच्छा। तो वो उसका जवाब नहीं दे रहे कि जिस यहाँ से आपने वोट लिए, हाँ। तो मेरा वो आदत नहीं उस सही है। चलें, आप ये बता दें आखिर में कि इलेक्शन मंशूर क्या आपका, क्या आप वादा कर रहे हैं लोगों से? नहीं, मैं तो यही है कि यहाँ की जो है पसमानदगी है, यहाँ काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, सीवरेज नहीं है अभी मेन जिस शहर की जी। यहाँ पिछले अरसे में जॉब्स में बाहर से लोग शब फोन मारते रहे जी। यहाँ सफाई का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, यहाँ रिंग रोड का मसला है, यहाँ पे ये अभी नया हमारा डैम बना है अभी काफी दो साल नहीं, लेकिन मुश्किल नहीं हो जाता है ऐसी पार्टी में रहते हुए कि जिसकी आप हुकूमत ही नहीं बना सकते, आप कैसे वादे करेंगे? वो असल में उसमें तो ये लोग भी ऐसे वोटर भी सोचते रहे कि इनकी पार्टी की हुकूमत बनेगी नहीं तो हमें वोट देंगे। अब तयशुदा, शायद आपको इल्म नहीं है कि ये तयशुदा है कि अब इस इलेक्शन के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई मिलकर हुकूमत बनेगी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अभी नज़र ये नहीं आ रहा, नज़र यही आ रहा है कि अभी शायद कोई मेजॉरिटी किसी पार्टी की होगी नहीं, यहाँ ज़ाहिर कोलेशन बनेगी, उसमें ज़रूरत पड़ेगी बाकी पार्टी की। चलें, एक रूम निकलता है, एक रास्ता है मौजूद आपके लिए। चलें, थैंक यू सर, सरदार साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बताएँ यहाँ पर क्या इलेक्शन की क्या सूरत चल रही है? देखा जी, इलेक्शन का दौर है, अपनी जगह हर सियासतदान जो है वो कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है। इस कोटली के नशीब अफराज को भी मैंने देखा, यहाँ के खंजराज को भी देखा, अब इमारतें भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सियासतदान इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने के दौर पड़ते हैं, जब वोट ले जाते हैं हुकूमतें बना लेते हैं, लेकिन शहर के हालत खुद अपनी आँखों से देख लीजिए, सड़कों की हालत देखिए, आगे पीछे नजर दिलाइए। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अपना घर, अपना सैन, अपना शहर, आप अपने दिल रहे तो अपने सड़कों की हालत देखिए। इसलिए हुए यहाँ पे देख रहे, मैं कह रहा हूँ ना, आप आते अक्सर देखे। अच्छा। ये मेरी सड़क जो जाती है धन्ना से जाता जाती है, हाँ। खुदा जानता है कि यहाँ आ तक ना गाड़ियों के पेट हिल जाते हैं। अच्छा। उसके इंसान जो आजा रक्षे पे बैठे। आपका जीतने वाले उम्मीदवार से क्या मुतालबा है, जो जीते वो क्या करे? गुम्मत को चाहिए कि अपने मुख का काम करे, अपने मुख से बेफाई और गद्दारी ना करे। अच्छा जी, इसमें तो इतने ज्यादा उम्मीदवार को समझ नहीं आ रहा है कि इतने ज्यादा उम्मीदवार आगे पहली मरतबा इस कोटली शहर में, उम्मीदवारों को तो पता नहीं चलता। अलबत्त तीन जो है ना वो पार्टियाँ जो स्ट्रांग पोजिशन में ठीक है, जिनका मुकाबला एक पीटीआई है यहाँ पे,
ठीक है, पीपल्स पार्टी है, ठीक है, इन दोनों का आपस में जो है ना ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। जी हाँ जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि जीतने वाले को क्या काम कराने चाहिए? जीतने वाले को ये चाहिए कि सबसे पहले ये हालत जो है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करे, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारा जो निज़ाम है कानूनी निज़ाम, इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां, इसको सरवाइव करना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये हमारी रोड जाती है यहाँ कोडली से धन्ना, जी ठीक है, कोडली से धन्ना जो रोड जाती है खंडरात में तब्दील हो चुकी है, टूटी फूटी है, बहुत टूटी फूटी है, सारी गाड़ी हिल जाती है, तकरीबन 13 किलोमीटर का सफर जाना ये पौने दो घंटे में जो है ना टूटा है, 13 किलोमीटर पौने दो घंटे में, दो घंटे लगा देते हैं, दो घंटे ये इतने खंडरात में तब्दील हो चुकी है ये रोड। हाँ जी, यहाँ सड़कों का बड़ा मसला है, क्या चल रहा है जी यहाँ पर, क्या चल रहा है इलेक्शन के? इस 8 लाख आबादी के शहर को सिर्फ 8 लाख आबादी का सबसे बड़ा शहर, अभी तक इसको साफ पानी मैसर नहीं, लोगों को साफ पानी नहीं, साफ पानी कौन है? ये हुक्मरान है, वो कौन समझा रहा है? हुक्मरान है इस वक्त कोटी शहर के तमाम लोगों ने, इस वक्त को इनके साथ, इनको सिर्फ सब सब के साथ बहिकार किया है, किसी पार्टी के टिकट वो हमारी नहीं कर रहे, आजाद में हमारी कर रहे हैं। रिजवान मलिक आया, वो इस कोटी शहर का नुमाइंदा है, इस शहर का बेटा है, मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह वो कंपटीशन देगा, बड़ी जमात किसी बंदे को कंपटीशन देगा, तो इंशाअल्लाह आपको मैं खबर भी दूंगा, खुशखबरी दूंगा कि इंशाअल्लाह 25 तारीख को रिजवान मलिक आजाद मेदा से ये कोटी की पहली सीट मांगूंगा, आजाद उम्मीदवार जीतेगा यहाँ से, जी आजाद उम्मीदवार जीतेगा, कोई मिला नहीं जो ये कहे, मैं मिल रहा हूँ आपको, अच्छा मैं कम मौसम मिला हूँ जी, मैं इस शहर का मैं सदर भी हूँ, अच्छा यहाँ जिम्मत आ जाऊंगा मैं यहाँ से, यहाँ सारी बड़ी बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे जीतेंगे नहीं सर, जो जो लोग करोड़ों रुपये लेकर देकर टिकट लेकर आते हैं, करोड़ रुपया पीछे पार्टियों को देकर फंड देकर वो टिकट लेकर आते हैं, वो कोटी के शहर के मसाइल कैसे हल करेंगे, जिन्होंने 8-8 करोड़, 7-8 करोड़, 6-6 करोड़ रुपया लोगों को टिकट बिकी है, क्यों नहीं बिकी है, पीटीआई की टिकटें बिकी है ना, उनका उनका समय स्मार्ट, उनका ऐसे आजाद लड़ रहे हैं, वो गरीब है, टिकट नहीं खरीद सकते सर, वो कैसे खरीद सकते हैं? अगर हम टिकट खरीद सकते हैं तो आजाद उम्मीदवार जो जो लोगों का हर बंदे का महबूब है वो, ये जो रिजवान मलिक हर बंदा का उसको चाहता है, इतना अच्छा लड़का है, काम करने वाला लड़का है, सोशल लड़का है, उसको अगर टिकट का अगर उसको पैसे होते तो टिकट वो भी खरीद सकता था ना, लेकिन वो खरीद कर टिकट लोगों से वो क्या मैंडेट लेगा, जो टिकट वही इंसान मैंडेट यहाँ पर पूरा करेगा, लोगों का काम होगा या इस मसाइल का वही निकालेगा, जो कम अज़ कम आवाम से शामिल आवाम के वोट से आएगा, जो पार्टी के वोट से आएगा वो कभी वो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलें जनाब आप बताएं क्या सूरत हाल है, इलेक्शन कौन जीत रहा है इधर, किसकी कैंपेन जोरदार चल रही है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की पार्टी, अच्छा क्या वजह? चौधरी मोहम्मद यासीन गली गली और कुछ कुछ चौधरी मोहम्मद यासीन की वजह से या पीपल्स पार्टी की वजह से? पीपल्स पार्टी यासीन की वजह से, अच्छा इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में कोटली की जो सीट है इंशाल्लाह चौधरी यासीन। पहले कभी जीते वो? पहले जीते हैं अलखानम चढ़ोई, दूसरे चढ़ोई से जीते, अभी इधर से यहाँ के लोग कह रहे हैं जी यहाँ क्यों कर रहे हो आगे, वो तो उधर के रहने वाले हैं, यहाँ के तो है ही नहीं वो, बस लोग इनमें काम किए हैं, चौड़ोई में किए हैं काम, चौड़ोई में भी किए हैं, कोटली में भी किए हैं, अच्छा इंशाल्लाह ये सीट है कोटली पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी, ठीक है जी। मेरे साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा मलिक यूसुफ साहब मौजूद हैं और बड़े भरपूर तरीके से कैंपेन ये कर रहे हैं, हम ज़रा इनको इनकी कैंपेन में से निकाल के बाहर ले आए हैं ताकि यहाँ पर पुरसकून अंदाज में इनसे बातचीत की जा सके। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो बताएं कैंपेन चल कैसी रही है आपकी? थैंक यू वेरी मच जी, माशाल्लाह बड़े जोर शोर से जारी है और पूरा जिस तरह पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलूम या बिलखसूस कहें ज़िला कोटली में हर तरफ हर घर में इमरान खान के नारे गूंज रहे हैं, तारिक इंसाफ के नारे गूंज रहे हैं और लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमने पीटीआई को वोट देना है, ठीक है, हमने इमरान खान को वोट देना है, उनके विजन को वोट देना है और हमने बिरसिस्तान मोहम्मद चौधरी साहब को वोट देना है, ये कोटली के लोगों ने फैसला कर लिया है, ठीक है। और आज तो ये हर घर में इमरान खान के नारे गूंज रहे हैं, तो पिछले मरतबा जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो हर घर में नून लीग के नारे गूंज रहे थे क्योंकि आप नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे? मैं बिल्कुल नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा था और नून लीग वालों ने मेरे साथ चीटिंग की थी, मुझे सिर्फ 400 वोटों से एक डिज़ाइन करके मुझे इलेक्शन से उन्होंने पीछे किया, नून वालों ने नून खुद अपनी सीट हार दी, क्योंकि उस वक्त ये राजा निसार साहब इलेक्शन हारे हुए थे, अच्छा, और ये फारूक सिकंदर साहब इलेक्शन हारे हुए थे, ठीक है, इसी तरह यसीन गुलशन साहब इलेक्शन हारे हुए थे, वहाँ से कुयूम नियाजी साहब इलेक्शन जीते हुए थे, ठीक है, और इसी तरह मुझको जो जीता हुआ तो उन्होंने रवाया और ये चुड़ोई से
राजा इकबाल साहब इलेक्शन जीते हुए थे, ठीक है, और चकसवारी से इलेक्शन कौन जीता हुआ था, नज़ीर इनकलाबी साहब, ठीक है, और इन्होंने आप समझते ना कि आज़ाद कश्मीर में नज़रियात से हटकर एक सियासी क्लब है जी। उनका अपना जरिया नज़रियात मफाद है अपना है। और उन्होंने डिज़ाइन करके हमें इलेक्शन से पीछे किया। जब मैंने पूछा जी कि आपने हमें क्यों पीछे किया, आगे से जवाब ये मिला जी कि अगर सरदार अतीक को हम कोटली की सीट ना देते, ठीक है, अगर चौधरी मजीद को इलेक्शन ना जितवाते, अगर हम चुड़ोही वाला इलेक्शन उसको यसीन को सीट ना देते, ठीक है, या नक्याल वाले सिकंदर याद को सीट ना देते, तो फिर मसला तारीख आज़ादी कश्मीर पर इसके बड़े असरात पड़ते, ठीक है, और फिर तो इस वजह से आप जो है वो 2016 का इलेक्शन नून लीग का हार गए, दिल्ली में इसका पैगाम जो है वो बड़ा गलत जाता है, ठीक है। यानी मेरी बात, ये जो डाकू चोर थे जिन्होंने इस कश्मीर को खाया, ठीक है, लूटा, इनके आरवों को जितवा कर दिल्ली में क्या आपने पैगाम देना था, ठीक है, और आप ही मुझे बताएं इन गुज़श्ता 5 सालों में तारीख आज़ादी कश्मीर के लिए इनकी क्या क्या, क्या? इसलिए आपने और क्या करना मैं नहीं सुने पर फिर मैं नून लीग में रहा और 5 सालों तक 5 सालों तक जब मैं नून लीग में रहा और मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म राजा फारूक आदर्स खान साहब, ठीक है, चूँकि उन्होंने मुझे कहा जी कि आप अपने काइंडली मलिक साहब वो नहीं कहते कि आप अपने लब बंद कर दें जी, लब पहना है ना सुने ना कि आप छोड़ें जी ये बात ना करें जी कि हम हारे हुए थे जीते हुए थे, हम आपको वजीरों से भी डबल जो है ना वो देंगे इमरान खान साहब ने OIC के अंदर, चूंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, शायद इलेक्शन लड़ने वाला वाहिद में आदमी हूँ जो पूरी दुनिया के 122 ममालिक में मैं गया हूँ, अच्छा, इन्हें अमेरिका में दर्जनों मरतबा में गया हूँ, बरतानिया, यूरोप, पूरी दुनिया के अंदर 122 कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, OIC के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, या दुनिया के किसी भी प्लेटफार्म पर इमरान खान ने जिस जरहाना अंदाज से, जिस जोरत हिम्मत के साथ मसला कश्मीर को उठाया, लोगों ने कहा जी कि ये इमरान खान ने कश्मीर को भेज दिया, क्योंकि मेरे वालिद साहब जहाँ कोटली में मेरे भाई खलबड़े का कारोबार करते, क्या कोई मसला कश्मीर को खलबड़े का कारोबार था कि इसने भेज दिया? इमरान खान की OIC तकरीर ने दिल्ली के आपको मजबूर किया कि आप नून लीग छोड़ना मीडिया में, दिल्ली के अवानू, वाशिंगटन के अवानू जी, और वो इस्लाम फोबिया फैला दिया जी उन्होंने पूरी दुनिया के अलावा। मैं समझ रहा हूँ बात, आपने ये वजह तो बता दी कि आप नून लीग से PTI में क्यों आए, लेकिन अगर आपका पैटर्न देखा जाए रिकॉर्ड का, वो तो ये है कि विफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होती है आप उसी की टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं। पिछले मरतबा नून लीग की हुकूमत थी, आपने उनका टिकट लिया, उससे मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़े, पिछले 4 इलेक्शन आपने 4 मुख्तलिफ पार्टियों से लड़े हैं। ये बात देखें कि एक ही जमात थी, फर्ज किया वो जो साइकिल थी ना, जो बरिस्टर साहब ने बनाई थी, वो उसके बतन से निकली थी पीपल पार्टी से। जब मैं पीपल पार्टी में, तब लंबी बात हो जाएगी, उन्होंने चीटिंग की हमारे साथ, उन्होंने भी एक डिजाइन मुझे बशीर पलवान सरदार मोहम्मद सैन साहब को, यही चौधरी यासीन ने, चौधरी मजीद ने, वो हमें पीपल पार्टी का नहीं तस्लीम करते थे, वो कहते थे कि ये बरिस्टर सुल्तान महमूद के चमचे हैं और उसके ग्रुप को हारते 3 इलेक्शन हम अंडर 1000 हारते रहे और ये पिछला इलेक्शन सारे जग को पता है, सारी तो इस मतलब ऐसा क्या मुख्तलिफ और नया है कि आप जीत जाएंगे? अभी मैं आपको बताऊं, लोगों की मोहब्बत और चाहत होती है जी, ये होता है ना किसी का एक, और अभी कैसा जादू किया उनकी नजरों ने, दिल खुद तड़प कर उनके जानम खिल गया। ये जितने कोटली के नौजवान पढ़े लिखे हुए लोग, बाशऊर लोग, वो ये बात समझते हैं कि जो मेरे मुकाबले में लोग हैं, ये नक्याल से फारूक सिकंदर साहब, ठीक है, और ये जो चौधरी यासीन साहब, ये जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के ड्राइव पर 1 अरब 20 करोड़ ग्रेटर वाटर सप्लाई से करप्शन किया चौधरी यासीन ने। अच्छा, आप कोटली के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। तो आपका मुकाबला इस हल्के में चौधरी यासीन के साथ है या किसी और के साथ? मेरे मुकाबले में यहाँ चौधरी यासीन की जमानत जब्त है। जब्त है ये नोट कर रहा है। तो बड़ी अच्छी जा रही उनकी। आप छोड़े कंपेयर, आपका मुकाबला किसके साथ है? मेरा मुकाबला यहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार जुबैर कियानी के साथ। अच्छा, दूसरे नंबर पर जुबैर कियानी, यासीन साहब और फारूक साहब वो किसी कागज पर आए नहीं है। अच्छा, उन दोनों की जमानत जब्त है। वो कोटली में हर बंदे के घर में दाखिल होते हैं, साथ आपने किराए के काफिला रखा हुआ है, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और लोगों कोटली के भी लोगों ये बताएं कि कोई आपका क्या पैगाम है कि अगर आप इलेक्शन जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्या प्रोजेक्ट करेंगे? कोई पूरे आजाद कश्मीर के अंदर मैं अपने कायद इमरान खान का बहुत मशहूर हूँ। आप चूँकि गुज़श्ता 2-3 महीने पहले कोटली तशरीफ़ लाए, आपने बहुत बड़ा जलसा किया जो कोटली की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। उन्होंने कहा जी कि मुझे कोटली बहुत खूबसूरत लगा और बिलखसूस मस्जिद के मीनार, ठीक है, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते 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 अबीब खुदा को खुदा कहते कहते, ठीक है, अरे खुदा मिल गया या मुस्तफ़ा कहते कहते, ठीक है, यानी ये इसको सिटी ऑफ मॉस्क कैसे कहते हैं, पहले ज़माने में था तुर्की इस्तांबुल को लोग कहते थे जी, जी।
मक्का मदीना भी है, लेकिन किबला हजरत साहब जो फाउंडर हैं इन मास्क के, इन अदारों के, तो इस पूरी उम्मत मुस्लिमों में जहाँ हमारे 70 ममालिक हैं, तो मास्क सिटी कर कहते हैं कोट मदीना, तो मिसाज कोटली शहर है वो मैं आपको क्या अनाउंस किया, उन्होंने कहा जी कोटली के मसाइल क्या है, उन्होंने अमजद न्याजी साहब से पूछा, अमजद ने कहा कि वहाँ पर लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है, बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, सड़कात का बुरा हाल है। इमरान खान ने मुझे 4 अरब रुपये का पैकेज दिया, ये मेरा फोन कब दिया, ये परसों मीन गंडापुर को उन्होंने भेजा, तो ये तो इलेक्शन धांधली नहीं है, ये इलेक्शन से 3 दिन पहले आप पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, ये कोई धांधली नहीं है, ये इमरान खान ने जो है ना वो लोगों को नहीं, मगर 4 दिन पहले आप जब पैकेज अनाउंस करेंगे तो ये इलेक्शन जवाबत की खिलाफ वर्जी नहीं है सर, ये मेरे ख्याल में इस जवाबत में नहीं आता, अगर लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है, लोगों की सड़कें मिलती हैं, ये तो भाई ये इलेक्शन के 4 दिन पहले अगर 3 दिन पहले पैकेज आएगा तो आप इसका मतलब ये नहीं नहीं, इस पर एम्बलीमेंट जो होगा उन्होंने जारी कर दिया, जो काम वगैरह शुरू होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के बाद, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के लिए मिनी स्टेडियम है, ठीक है, और कोटली के लोगों के लिए साफ पीने का पानी के वाले से फिल्ट्रेशन 50 प्लांट है, ठीक है, चूँकि आज लोगों के पास जब बुनियादी जरूरतों के लिए उनके पास पीने का साफ पानी नहीं होगा, ठीक है, और जो सबसे बड़ा कारनामा इमरान खान ने किया, यहाँ के जितने प्राइमरी स्कूल थे सरके में, उन्होंने कलम में जंबज से उनको कहा जी कि ये सारे मिडिल होने चाहिए, ठीक है, और जो मिडिल थे अगर वहाँ पर स्ट्रेंथ तादाद के व्यार से वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं म्यार पर, तो फिर सारे मिडिल स्कूल हाई का वो हाई में चले गए, ठीक है, और जो हाई थे बहुत सारी चीज़ें पहले अनाउंस हो गई हैं, और हमारी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए सर, मेरी बात सुन, ये जो 4 अरब रुपये का पैकेज है, ये कोटली के खूबसूरत मदीनातुल मसाजिद को, ये इंशाल्लाह ये मसाइल काल वसाइल के साथ होता है, वैसे आपको ट्रिक आता है, जिस भी पार्टी की हुकूमत होती है उसे आप पैकेज शैकेज फंड ले लेते हैं, नून की हुकूमत उसे फंड ले लिए, तरीके साहब की हुकूमत उसे फंड ले लिए, ये 4 सालों में ये 4 अरब रुपये का पैकेज यहाँ पर यूज होगा, फिर इमरान खान का वो विजन उसके भी वो पाया तकमील तक पहुंचा, फिर अगली मर्तबा जिसकी हुकूमत होगी आप उस पार्टी में चले जाएंगे, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी पार्टियों का हमने टेस्ट किया, ठीक है, लेकिन ये इसका टेस्ट सबसे अच्छा, ना जो मजा मुझे खान साहब के साथ आया, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह, आप कभी नहीं इमरान खान को छोड़ेंगे, आप कभी नहीं छोड़ूंगा, दूसरा मैं खान के विजन मंशूर उसकी जरूरत मसला कश्मीर पर जो उसका मौकफ वो तो सब सलाम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। मदर साहब मेरे साथ आए, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं, मदर साहब बड़े तगड़े उम्मीदवार आपके मुकाबले में खड़े हुए हैं तो, और यूसुफ साहब जो हैं वो पहले जीते नहीं हैं, तो क्या इस दफ़ा इम्कान नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, आपने कहा बड़े तगड़े उम्मीदवार खड़े हैं, तगड़े पैसे के हवाले से और करप्शन के हवाले से तगड़े हो सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नहीं, मतलब आपके फारूक सिकंदर साहब जो हैं वो तो सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बुनियादी बात यह है कि ये हल्का नंबर 3 सिटी कोटली है, ये नया हल्का बना है जी, ये लोग फारूक सिकंदर और चौधरी यासीन जो यहाँ से उम्मीदवार बने, इन्होंने इस हल्के के बनने की मुखालफत की है, ये तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, एक चौड़ोई का है और एक जो है निख्याल का है, तो इंशाल्लाह कोटली के लोग इनको बिल्कुल मुस्तरद कर चुके हैं, आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, तो ये बताएं कि कैंपेन क्या चल रही है और किस बुनियाद पर चल रही है? देखिए इस कैंपेन में क्या चैलेंजेस हैं, क्या इलाके के मसाइल हैं? देखिए मसाइल तो बेशुमार हैं, तो मैं आपको गिन गिन के एक एक मसाइल तो नहीं बता सकता, लेकिन मसाइल ही मसाइल हैं लेकिन इसके बावजूद एक जो बुनियादी इस हल्के के वाले से हम बात कर रहे हैं, एक तो इमरान खान का विजन है, ठीक है, लोग करप्शन के खिलाफ है, वो जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा है, ठीक है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अजीम जमात थी, ठीक, उसके लीडर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसकी लीडर मोहतमा बेनजीर भुट्टो, उसके बाद तो इन लोगों ने जो पीपल्स पार्टी के वारिस बने इन पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल के रख दिया, मैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन था, अच्छा, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को, मैंने 43 ईयर्स पीपल्स पार्टी के लिए काम किया, पीएसएफ के लिए काम किया, स्टूडेंट यूनियन के जो आखिरी इंतखाबात आजाद कश्मीर की तारीख में हुए, ठीक, मैं यहाँ कोटली से जो है वो स्टूडेंट यूनियन का लास्ट और आखिरी सदर बना था डिग्री कॉलेज, अच्छा, हमने ज्यादा लोग थे, लेकिन पीपल्स पार्टी पर जब चोरू और डाकू ने कब्जा कर लिया, वहां पर जो है मेरिट नाम की कोई चीज नहीं, लगता है पाकिस्तान तरीके से आसानी से सीट निकाल लेगी, ये आसानी से तो मैं नहीं कह सकता, मुकाबला किसके साथ है? मुकाबला हमारा जो है ना वो यासीन के ही साथ होगा, अच्छा, क्योंकि उसने जो है ना उसके पास उसने बड़ा करप्शन का पैसा इकट्ठा किया हुआ है। तो नून लीग की क्या पोजीशन है? नून लीग बहुत कमजोर है, कमजोर है यहाँ इंतहाई का, एक तो आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, मेरी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नून लीग आपको कमजोर नजर आती है, मैं आपको बताता हूँ अभी बता दूं जी, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह
वन नंबर पर हमारा उम्मीदवार होगा अच्छा जो जीतेगा ठीक है। दूसरा नंबर टू पर चौधरी यासीन होगा पीपल्स पार्टी का ठीक है। नंबर तीन पर जो है वो होगा मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो फारूक सिकंदर होगा ठीक है। और नंबर फोर पर जुबैर कियानी होगा नून लीग का जी ठीक है। सही है चलें आप बताइए जी कि क्या किस बुनियाद पर कैंपेन हो रही है, क्या वादे कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग? देखें कैंपेन तो ये हो रहा है कि करप्शन जो हुआ है इससे आज़ाद कश्मीर में 40 सालों को लूटा गया है, अवाम को लूटा, कोटली को लूटा, सारी पार्टीज़ ने, लोगों ने एक इन्होंने आज़ादारी अपनी बनाई हुई थी दूसरी जगह से उठ करके यहाँ कोटली को सिटी को जो इन्होंने हाईजैक किया हुआ था ठीक है। लेकिन अब जो है ये मसला हुआ है कि मलिक यूसुफ एक ताकतवर और पावरफुल मतलब जो है मेंबर असेंबली खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह ताला मैं उसको कहती हूँ कि वो कामयाब है अच्छा। इस मर्तबा वो कामयाब हो जाएगा क्योंकि करप्शन भी अवाम भी बहुत तंग आ गई है। विफाक में तरीके इंसाफ की हुकूमत है इसलिए आपको ज़्यादा लगता है? नहीं तरीके इंसाफ ठीक है विफाक में है लेकिन यहाँ जो यूसुफ है इस मरतबा जो उसको एक तो लेट टिकट का हमारा मसला था ठीक वो हुआ है तो मजबूत पायदार पे यानी के उम्मीदवार आ गए हैं यहाँ ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा जो है ये पार्टी क्योंकि अवाम खुद तंग आ चुकी है करप्शन से यानी के वोट लिया है उनको रास्ता नहीं मिला रोड नहीं मिला यानी के उनको पानी की सहूलत नहीं है उनके बच्चे जो हैं वो जाहिर बात है इतने तालीम याफ्ता हैं लेकिन उनको बाहर भागना पड़ता है रोज़गार नहीं है इस मुल्क में तो बहुत सारे मसाइल हैं हैं यानी मसाइल का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर है। मैं कल गई थी ख्वातीन का मलिक यूसुफ साहब जीतेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे मसाइल इंशाल्लाह ताला और हम वक्त से पहले अभी मसाइल हल कर रहे हैं जहाँ जा रहे हैं हम अभी कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान में ये तो नहीं मसाइल मसाइल हल इस तरह कर रहे हैं हम उनको कि किसी जगह पर जो है वो मेडिकल नहीं है अस्पताल नहीं है ठीक है ना हम उन हमने उनको मतलब लिख कर दिया है कि हम आएंगे तो आपको जो है ये मसला हल करें ठीक है चलें पहले दिया नहीं है बल्कि उनको हमने लिख कर दिया ठीक है चलें ठीक है ना कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है ठीक है और होनी भी चाहिए। देखें बेइंसाफी तो हर कोई करता है लेकिन कोई कोई अल्लाह ताला ईमान दे दे तो वो ठीक है बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया थैंक यू। मेरे साथ मकामी सहाफ़ी मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब मौजूद हैं मैं ज़रा इनसे जानना चाहता हूं कि यहां पर इनकी बतौर सहाफ़ी जो नज़र है वो क्या कहती है ज़रा तज़िया तो पेश करें क्या हालात चल रहे हैं। सर बात यह है कि उम्मीदवार तो बड़ी तेज़ी से अपनी कंपेन में मसरूफ़ हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं और आपने यहां बेहंगम जो ट्रैफिक है इसकी सुरताल देखी है छुट्टी के टाइम जो है ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जब शहर में दाखिल होते हैं तो सब ट्रैफिक चौक हो जाती है। ये तो इलेक्शन कैंपेन्स का हुसन नहीं है वैसे तो दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि शहीद चौक में आप खड़े हैं और इसकी यादगार की ये हालत देखें ये शहीद चौक जो है ये शोधा की यादगार थी और यहाँ पे सारे झंडे वो लगा दिए उन्होंने झंडे लगा के और यहाँ इसको पोस्टर लगा दिए यानी इसकी हालत ही बिगाड़ के चौक की रख दी है। ये इस शहीद चौक की तोहीन है बिल्कुल शोधा की यादगार है यहाँ पर शोधा को रखा गया था तहरीक आजादी कश्मीर के शोधा को तो शोहदा की तस्वीरों के ऊपर गाजियों ने अपनी तस्वीरें लगा दी हैं तो इलेक्शन कैंपेन तो ये लोग कर रहे हैं लेकिन लोड शेडिंग यहाँ पे बड़ा मसला अच्छा। इसके अलावा पानी पीने का मौजूद ही नहीं है अच्छा और अच्छा मलिक यूसुफ साहब से हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि यहाँ जो पानी का मसला है इसमें करप्शन हुई है पीपल्स पार्टी की जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन का वो नाम लगा रहे थे इसमें कोई हकीकत है? सारी सियासी जमातें जो है ना वो जिम्मेदार हैं इसकी मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत थी इससे पीछे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ठीक है। इसमें जमातों का बड़ा किरदार रहा है और कोटली ये जो इस हल्के में आप खड़े हैं ये हल्का महरूम तरीन हल्का है और यहाँ पर जो सियासी जमातों के लोग हैं मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा जो है ना आज़ाद उम्मीदवार जो है ठीक है उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ ठीक है। तो ये बताएं कि जो सबसे बड़ा मसला इस हल्के का वो क्या है? यहाँ पानी का इस शहर का मसला पानी का लोड शेडिंग का मसला है ये ट्रैफिक की सूरत हाल ट्रैफिक
की सूरत आप देख लें, ये बड़े मसाइल हैं कोटली के। और हम उम्मीदवारों से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके पैसा दे के टिकट ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को वो क्या रिलीफ दे रहे हैं, ये एक जो है ना साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अफजल साहब हैं, ये हमारे रिपोर्टर हैं 92 के, और कोटली में बड़े मुतहरिक हैं, बड़ी खबरें यहाँ से भेजते रहते हैं। मुझे अफजल साहब ये बताएं कि इलेक्शन पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, जिस दिन से कैंपेन शुरू हुई है तब से आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं, किसका हम कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है और कांटेदार है भी या नहीं? देखिए ऐसा साहब, कांटेदार मुकाबले की बात करूँ तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो कांटेदार मुकाबले की पोजीशन में है। लेकिन अगर आप वोटरों की बात करें तो इस मरतबा जो है आज़ाद कश्मीर का वोटर बहुत सियाना हो गया है। रात को वो किसी और पार्टी के साथ ऐलान करता है, सुबह को वो किसी और पार्टी के साथ होता है। अच्छा। और सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्ड सीने से लगा के रखे हैं, उसको वो किसी को बता नहीं देना कि उसको वोट जो काम इससे पहले सियासतदान वोटरों के साथ किया करते थे, इस मरतबा वोटर जो है वो सियासतदानों के साथ खेल रहे हैं। अगर आप ये कहें कि यहाँ का मुकाबला जो टफ है वो चौधरी यासीन साहब का और मलिक यूसुफ साहब का देखने वाला मुकाबला होगा, यहाँ पे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो है उसका कांटेदार मुकाबला है। अगर इस कोटली की मैं बात करूँ, 35 साल एक बंदे ने एक पार्टी के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे मलिक नवाज साहब, 35 साल उन्होंने यहाँ पे इकतदार किया है, लेकिन एक टके का काम भी नहीं कर सके। यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचेगा फारूक सिकंदर को? फारूक सिकंदर अभी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। आपकी उनसे बात हुई है, आपने उनसे सुन लिया कि उनको तो ये दुख लग गया कि मैं नून लीग पी क्यों छोड़ के आ गया हूँ। उन्होंने आन द रिकॉर्ड ये बात कर दिया कि मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है कि मैं मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ी है। दूसरा मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे ग्रेटर वाटर सप्लाई की स्कीम थी, आज दिन तक वो फाल नहीं हो सकी। रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बुरी तरह से मुतासर है। 2019 का साल नून लीग ने सियाहत का साल करार दिया था, सियाहत के हवाले से एक काम नहीं हुआ, यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, और बहुत सारे मसाइल हैं इस हल्के के कोटली के। लेकिन आप देखें बाहर से आए हुए 3 उम्मीदवार हैं, इसके मकामी एक ही है। अब मकामी जो लोग हैं उन्होंने वोट देने हैं, देखते हैं कि मकामी लोग किसको वोट देते हैं, तहरीक इंसाफ को या नून लीग को या चले ये तो इलेक्शन डे पे पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या यहाँ पर इलेक्शन के हालात चल रहे हैं? इलेक्शन के हालात बड़े गंभीर हैं। अच्छा। क्योंकि कैंडिडेट बहुत हैं और मुझे एक अफसोस हो रहा है इस बात का कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आते हैं ना, कोई गली नालियाँ टूटियाँ कौमी सतह पर कोई बात नहीं करता। अच्छा। ट्रैफिक का हालात देख लें, कोई भी कैंडिडेट ट्रैफिक के बारे नहीं करता, एजुकेशन पॉलिसी निज़ाम ठीक नहीं करना चाहते, निज़ाम ठीक, एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं है, पटवारी ठीक नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कहता कि मैं पटवारियों को आके ठीक करूंगा, ये कहता कि मैं गलियाँ पक्की कराऊंगा, टूटियाँ लगवाऊंगा। अच्छा, अजीब है। तो लोग असल में वोट भी तो उसी बंदे को डालते हैं ना जो कहता है मैं टूटियाँ लगवाऊंगा। देखना हमारे कैंडिडेट कोई बंदा आगे कहेगा जी मैं कश्मीर को आलमी सतह पर मसले को उजागर करूंगा, तो लोग कहेंगे यार हमारा मसला हल करो। नहीं, लेकिन ये असेंबली इलेक्शन कौमी असेंबली के, जी हाँ ठीक है जी हाँ। तो इज्तिमाई तौर पे जो है ना ये बलदियाती इंतखाब तो नहीं है, सही बात है, ये पता चलता है बलदिया के इलेक्शन हो रहे हैं, सही बात है। और इसके अलावा जो है ना एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, इसके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता। और उदारा में तमाम कैंडिडेटों से कहता हूँ कि अपनी पॉलिसियाँ जो है, जो कौन सा बेहतर उम्मीदवार लगता है आपको कोटली में? कोटली में असल मुकाबला जो है ना मलिक यूसुफ साहब का और अपना यासीन साहब का है। अच्छा, जो भी बंदा ठीक है जी, मतलब ठीक, तो हमारी दुआ है कि जो है ना जो बंदा ठीक है अल्लाह उसको कामयाब करे। शुक्रिया। मजदूरों को तो सबसे ज़्यादा मसला होता है कि वो कहते हैं कि जी हम जो है वो हमारे मसाइल हल किए जाएं। अरे कौन से मसाइल हल करने वाला कौन आदमी है, कोई आप वो ऊपर वाला बैठा मायूस हैं आप यहाँ से? किसको वोट डालते हैं? वोट पीटीआई को डालेंगे। पीटीआई को डालेंगे जी जी। क्या वजह है उसकी? बस वजह जो कुछ भी नहीं है, वैसे डालेंगे, वैसे डाल दें, वैसे डालने वजह तो होती है ना। बस पहली बार उसको डाला था, अभी उसकी डालेंगे। अच्छा, पहली बार उसको डाला था इमरान खान को? हाँ, इमरान खान को डाला। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि इस दफा पीटीआई को वोट करना है? पीटीआई को वोट करना। तो पीटीआई को से उम्मीद क्या है आपको कि क्या काम कराएगी पीटीआई जीत के? पीटीआई तकरीबन काम तो कराएगी, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं इलेक्शन, कोटली में बड़ा माहौल बना हुआ है, इलेक्शन हो रहे हैं जी जी। क्या कौन जीत रहा है? कोटली से पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जीत रही है? बिल्कुल, सीधी 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 ऑलरेडी ऑलरेडी जीती, बिल्कुल जीती। तो मलिक यूसुफ साहब तो कहते हैं कि इधर जमानत जब्त करा देनी मैंने, कुछ भी नहीं, कुछ भी यासीन धड़ल्ले की चोट पे जीतेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो करीब करीब कोई नहीं मुकाबला जाने लगा? मुकाबला बहुत टफ है। चौधरी यासीन ने कैसे जीतना, मतलब क्यों जीतेंगे? लीडर है, उसने काम किए। अच्छा, क्या काम किए? बहुत काम किए उसने। अच्छा जी जी, वो गरीबों का साथी है, हमदर्द है, ओके टाइम का साथी है, ओके टाइम पे काम आता है। अच्छा जी, आप उसको वोट डालेंगे? मेरे को जरूर डालेंगे। अच्छा, क्योंकि हम सिर्फ सपोर्ट प्रोग्राम भी लेते हैं। हाँ, हम हमारा हक है, हमको वोट देना। बिल्कुल सही है, बात बढ़े या हर बंदे का हक है कि जिसको चाहे वोट करे वो। बिल्कुल, और वोट डालना जरूर चाहिए, लाजमी डालना, मानना है। बिल्कुल मानना है वोट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हालात चल रहे हैं जी इलेक्शनों के? बड़ी जोरों की कैंपेन हो रही है इधर। क्या कैंपेन करेंगे, ये इलेक्शन हालात देख लें, ये गटर ऊपर रहे, पानी
लाइनें टूटी हुई हैं। हाँ। जो पहले करते थे वही ये करेंगे। अच्छा, हल्का चार में चौधरी यासीन ने क्या काम करा है, मलिक नवाज ने क्या करा है, फारूक सिकंदर ने क्या करा है। हाँ। मैं कहता हूँ कि इनको वोट देना ही जुर्म है। जुर्म है, जुर्म है। जिसने काम नहीं कराए, जिसने ये खुद पैसा खाते। अच्छा, ये पैसा खाते क्या काम कराते हैं, इधर क्या काम हुआ है? अभी अभी लाइन चौधरी यासीन का कह रहे हैं कि उनको वोट देना जुर्म है। मैं कहता हूँ बरादरी अजम करते हैं वहाँ, चौधरी यासीन तो जीतने को फिर रहे हैं। मैं कहता हूँ बरादरी अजम है यहाँ पर। अच्छा, लोगों को लड़ाते हैं फिर बाद में गायब हो जाते हैं, ये क्या काम कराते हैं? अच्छा, तो काम हुआ इधर, ये ट्रांसफार्मर चल जाए इसको ठीक कराने वाला कोई नहीं है, हवा चले बिजली बंद, पानी का ये है कि सड़कें पानी पी रही हैं और गरीब पानी के लिए तरस रहे हैं, इधर क्या हालात है? ये बात तो ठीक है। ये इलेक्शन वाले दिनों में आएंगे, वोट लेकर फिर चले जाएंगे, पीछे आवाम बकरियों भेड़ों की तरफ घूमते रहे। अच्छा, मसाइल क्या है जी कोटली के? कोटली के बहुत से मसाइल हैं जी, कोई एक हो तो मसाइल स्थान है ये। तो मसाइल हल कौन करेगा? मसाइल कोटली का नुमाइंदा हो जाए, कोटली के हल्के से होगा। कौन? रिजवान मालिक। रिजवान साहब जो आज़ाद उम्मीदवार जी, वो कोटली के नुमाइंदे हैं। कोटली से? कोटली के नुमाइंदे। बाकी कोटली के नहीं है? बाकी कोटली से बाहर के नहीं। मलिक यूसुफ नहीं है यहाँ के? वो हल्का राजमहल से। अच्छा, कोटली के नहीं है वो। और पीपल्स पार्टी वाले चढ़ोई से हैं? वो चढ़ोई से हैं। और फारूक सिकंदर साहब हल्का निकाल से, निकाल से हैं। जी जी। तो ये सारे बाहर से आके कोटली से लड़ रहे हैं। कोटली का आपका हल्का बड़ा पसंद आ गया सबको? ये पसंद नहीं आया, ये सारे आए यहाँ पे आके माफिया है, ये लोगों के वसाइल लूटने के लिए आ रहे हैं, ये प्री प्लानिंग के साथ आ रहे हैं लोगों के वसाइल लूटने के लिए। इसीलिए हमारा नुमाइंदा ये इन्होंने जो पार्टियों के लोगों के साथ नजरियाती लोगों के साथ बिल्कुल बेरहम सा असूल किया है, नजरियाती कारकुनों के साथ इस्तेसाल किया है, जिसकी वजह से नजरियाती कारकुन ही आगे आ गए। जो मलिक रिजवान साहब है और नजरियाती कारकुन था मिस्टर कॉन्फ्रेंस का, उसके साथ इस्तेसाल हुआ है, ज्यादती हुई है, वो आज़ाद खड़े हो, पूरी यूथ उनके साथ है, यूथ उनके साथ है, जो वो अरसा 20 साल से यूथ का यूथ के साथ मुंसलिक है, उन्होंने यूथ को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन रिजवान साहब जीतेंगे, बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, बड़े मार्जिन से, बड़े मुकाबला कोई नहीं है, मुकाबला नहीं, उनके उनके मध्य मुकाबले नहीं है। रिजवान सरकार, अच्छा, रिजवान नौजवान जितना भी तबका है, अच्छा, दिलों की धड़कन है। ये बताएं कि रिजवान साहब वोट किसका तोड़ेंगे, कौन सी पार्टी का वोट तोड़ रहे हैं? पहले वो सब पार्टियों का तोड़ रहे हैं, चाहे वो चौधरी यासीन हो या बरादरी का कैंडिडेट नहीं हो, सब पार्टियों का सब तोड़ेंगे। वो पूरे कोटली की करेंगे, वो पूरे कोटली की जाने हल्का कोटली के नुमाइंदे। ठीक है, आप रिजवान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ तो सारी यूथ रिजवान साहब के साथ खड़ी है जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मलिक यूसुफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन के दरमियान कड़ा मुकाबला है, और नून लीग इस हल्के में चौथे नंबर पर नजर आती है। ये लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो असेसमेंट है यहाँ की वो ये है। तो और जो सरदार जो है वो फारूक सिकंदर साहब से हमारी मुलाकात हुई है, वो तो खुद इस बात पे अपसेट है कि मैं वालिद साहब की ज़बरदस्ती की वजह से जो है वो अब मुस्लिम लीग नून छोड़ के यहाँ पर आया हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में और हालात ख़राब हैं, तो इस बात पे वो काफ़ी अपसेट हैं। तो ये जनाब कोटली के हालात हैं, मसाइल की वजह से बहुत सारे लोग अपसेट हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ किसी ने कोई काम ही नहीं किया, सब मुफाद परस्त हैं। तो इस तरह से लोग अपनी नाराज़गी का भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि कोटली में कौन जीतता है और कोटली से कौन सीट निकालने में कामयाब हो जाता होता है इस कड़े मुकाबले में से, और जो जीत है वो किसका मुकद्दर बनती है। मुझे कोटली के LA10 हल्का 3 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।